रेस्टोरेंट में जाते हो डिनर या लंच करने के लिए तो कई बार मंगाते हैं ये सिरके वाली प्याज, ये लगती ही इतनी अच्छी है। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी कि रेस्टोरेंट वाली सिरके वाली प्याज घर पे कैसे बनाई जाए, वो भी मिनटों में। इसे बनाएंगे आप सिर्फ एक बार और खाएंगे महीनों तक। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर यू क्रिएशंस। सिरके वाली प्याज बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए 14 से 15 छोटे प्याज। ये करीबन आधा किलो प्याज है जिसको मैंने छील के धो के सुखा लिया है। अब हम इसमें एक क्रॉस का कट लगाएंगे बीच में। इसी तरीके से हम सभी प्याज में क्रॉस का कट लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ बड़ी प्याज भी ले सकते हैं अगर आपके पास छोटी प्याज नहीं है, बस उन्हें हाफ कट कर लें। यहाँ हमने सभी प्याज में कट लगा लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम एक कप पानी ऐड करेंगे। पानी में 5 से 6 लौंग ऐड करेंगे और 5 से 6 काली मिर्ची ऐड करेंगे। इसका फ्लेवर प्याज में बहुत ही टेस्टी लगता है। बाजार में बिल्कुल इसी तरीके से ये प्याज बनाई जाती है। 2 छोटे चम्मच चीनी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने चीनी ऐड की है क्योंकि चीनी सिरके के खट्टेपन को बैलेंस करता है। अब इसमें 2 छोटे चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी में उबाल आने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमें पानी उबाल करके ही यूज़ करना है। अगर आप पानी उबाल कर यूज़ करोगे तो जो ये प्याज है वो 1 महीने तक आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। पानी में उबाल आ गया है। अब यहाँ मैंने लिए हैं ये बीट रूट, जिसे हम चुकंदर भी बोलते हैं, जिसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया था। इसको हम पानी में ऐड कर देंगे। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल प्याज जो बनेंगे लाल लाल बनेंगे। बाजार में इसी तरीके से प्याज को लाल किया जाता है। चुकंदर को 1 से 2 मिनट के लिए पानी में उबालेंगे। देखिए बीटरूट ने कलर अपना छोड़ दिया है। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और पानी को ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक, जिसको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, और कुछ हरी मिर्ची ली है जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। जो ये हरी मिर्ची होती है, ये सिरके में डलने के बाद इसका जो तीखापन होता है वो कम हो जाता हैगा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ के साथ हमारा अदरक और हरी मिर्ची का भी अचार तैयार हो जाता है प्याज के साथ, और इन सब का फ्लेवर प्याज में बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम सिरके वाली प्याज बनाने के लिए एक कांच का जार लेंगे। आप चाहे तो यहाँ प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, पर लेकिन अगर आप कांच का जार लेंगे तो जो प्याज होंगी 1 महीने तक बिल्कुल ठीक बनी रहेंगी। इसमें हम सभी प्याज को ऐड कर देंगे और साथ ही अदरक और हरी मिर्ची को भी हम ऐड कर देंगे इसी में। बीटरूट का पानी ठंडा हो गया है। अब हम इसको प्याज में ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने लिया है 1 कप व्हाइट विनेगर, जिसको हम सफेद सिरका भी बोलते हैं। इसको हम प्याज में ऐड कर देंगे। जार को बंद करके 24 घंटे के लिए हम एक साइड रख देंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमने सिरका तैयार किया है, जब आपके प्याज खत्म हो जाए तो आप इसे फेंकेगा मत। इसमें आप एक बार दोबारा प्याज डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के दोबारा से प्याज बना सकते हैं। 24 घंटे बाद प्याज बनके हमारे बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। ये देखिए इनका कलर भी कितना अच्छा आया। प्याज देखने में कितनी अच्छी लग रही है। एक बाउल में प्याज को निकाल के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने रेस्टोरेंट में मिलने वाली ग्रीन चटनी की रेसिपी भी डाली है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। आप वहाँ जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्याज बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको इंजॉय कीजिए रोटी के साथ, पराठे के साथ, पुलाव के साथ, या जिस भी चीज़ के साथ आप इसको खाना पसंद करते हो।
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आप नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।